तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में दिखा जा चुका है इसी इंडिया में ही एक R3 वाले मॉडल को, जो कि टेस्टिंग के टाइम पर ही दिखा गया था। वैसे तो दोस्तों ये जो R3 का जो न्यू कलर है तो ये आपके सामने है, जैसे कि देख ही सकते होंगे। बाकी इसके बारे में आगे हम लोग बात करने ही वाले हैं। और वैसे कॉन्फ्यूजन अभी ये क्रिएट हो चुका है कि ये जो R3 वाला मॉडल है तो क्या ये नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा इस इंडियन मार्केट में, या फिर इंडिया वाले जो चेयरमैन है यामा के तो उनका जो बात है तो वो सच होगा, जो कि आगे आपको मैं बताऊंगा इसी वीडियो में ही। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों भी ये जो R3 वाला मॉडल है ना, वैसे इसको भी देखा जा चुका है इसी इंडियन मार्केट में ही टेस्टिंग के दौरान। वैसे तो ये जो टेस्टिंग है ना, तो ये वो वाला टेस्टिंग नहीं है जिसमें आप लोग देखोगे कि बाइक के अंदर ये जो ब्लैक और व्हाइट कलर का जो स्टिकरिंग है तो वो किया गया है, मतलब ये वाला टेस्ट ये नहीं है। मतलब ये अलग सा टेस्ट है जो कि ट्रैक पे हो रहा था। तो जो भी है, लेकिन है ये जो R3 वाला मॉडल को जो अभी दिखा गया है ना, तो ये अभी इसी इंडियन मार्केट में ही दिखा गया है। बाकी तो भाई ये R3 वाला जो मॉडल है ना, तो इसको अभी देखने के बाद बहुत सारे लोगों का कुछ ऐसा ही कहना है कि ये जो R3 वाला मॉडल है तो ये इसी इंडियन मार्केट में इसी 2023 साल के ही अगले एक दो महीने के अंदर अंदर जो है तो वो लॉन्च होने वाला है। लेकिन देखो अभी कॉन्फ्यूजन जो है ना, तो वो कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है ये बात सुनने के बाद कि देखो दोस्तों ये जो यामाहा का जो चेयरमैन है ना इंडिया वाले, तो वो कह रहे थे कि इसी ईयर के ही एंडिंग होने के आगे आगे तो वो ये जो R3 है तो लॉन्च हो जाएगा। मतलब ईयर एंडिंग के बहुत आगे तो नहीं, लेकिन है एंडिंग के उसी टाइम पर जो है तो वो लॉन्च हो जाएगा इसी इंडियन मार्केट में। तो जो भी है, लेकिन है ये जो R3 वाला मॉडल है ना, तो ये ब्लू और ब्लैक कलर के ही कॉम्बिनेशन में देख ही सकते होंगे ये कलर जो है तो वो ये दिखा जा चुका है। और वैसे तो ये जो लुक है ना, तो इसके ही सामने भाई मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि बहुत सारा जो R3 वाला जो फैन बॉयज है तो वो भाई वैसे भी पागल हो ही जाएंगे ये जो बाइक जब लॉन्च होगा। बाकी देखने वाला बात कुछ यही होगा कि ये जो R3 वाला मॉडल है तो ये किस प्राइस रेंज के अंदर अंदर आता है। तो जो भी है, लेकिन है भाई ये जो R3 वाला मॉडल है ना, तो ये भी इसी इंडियन मार्केट में तो आएगा ही, साथ ही साथ BS6 Phase 2 वाले इंजन नॉर्म्स के ही साथ में आएगा। बाकी भाई ये जो इंजन है ना, तो ये एक पैरेलल ट्विन सिलेंडर वाला एक जो इंजन है तो ये वही है कूल वाला DOEC 4 वाल्व वाला, जो कि भाई 321cc वाले कैटेगरी के अंदर में है। बाकी ये जो इंजन मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करता है तो वो है 40 bhp, और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है ना तो वो है 30 nm। और इसके अलावा देखो ये जो बाइक है ना, तो ये ब्रेकिंग सिस्टम में भाई डिस्क ब्रेक के साथ में ही डुअल चैनल ABS के सपोर्ट में ही आएगा। बाकी तो ये भी आप लोग देख ही सकते होंगे कि इस वाले बाइक के अंदर आपको USD फोक्स जो है तो वो सामने देखने को मिल रहा है, और पीछे जो मोनोशॉक एब्जॉर्बर है तो वही कुछ दिया गया है। लेकिन एक चीज जो देखने वाला होगा तो वो है कि इस वाले का जो एक फुल्ली ही डिजिटल वाला जो मीटर कंसोल है ना, तो इसके साथ में क्या यामाहा का जो कनेक्टिविटी वाला जो फीचर है तो वो भी आएगा या फिर नहीं आएगा, तो वो एक जो देखने वाला बात है तो वो भी रहेगा। लेकिन हां, देखा जाए अगर इस वाले बाइक का लाइट्स के सेटअप के तरफ, तो भाई लगभग सारा ही जो है तो वो LED के अंदर अंदर ही देखने को मिलेगा इस वाले बाइक का जो लाइट्स का सेटअप है तो वो ही। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बता दो कि इस वाले बाइक के बारे में आपका क्या राय है। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।